नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं भूस्खलन। आज देखते हैं कि भूस्खलन किसे कहते हैं या इसको हम कहें भूस्खलन क्या। भूस्खलन आपदा, भूस्खलन आपदा, भूस्खलन आपदा किसे कहते हैं, भूस्खलन आपदा आने के कौन कौन से कारण हैं और इसे रोकने के कौन कौन से, या हम कहें कि इसके कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आते हैं। भूस्खलन आपदा क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन जैसा कि हम लोग जानते हैं या हम बता देते हैं कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा जब ऐसी दुर्घटना हो जाए जो मनुष्य के कंट्रोल के बाहर हो जाए, बहुत मात्रा में जन धन इत्यादि की हानि हो, तब उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा एक प्रकार की दुर्घटना होती है जो बड़े पैमाने पर होती है। भूस्खलन, आस्खलन मतलब होता है नीचे की ओर गिरना, खिसकना, जाना। किसका? भू का। भू माने पृथ्वी की सतह, चट्टान या ऐसे किसी एक भाग का नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। जब इस भूस्खलन के कारण बहुत बड़ा भाग या चट्टान नीचे की ओर या यूं कहें ऊंचाई से ढाल की ओर खिसक जाती है, तो उस चट्टान पर स्थित और पदार्थ, वस्तुएं, जीव जंतु, जो कुछ भी पदार्थ और उसके नीचे आकर दबने वाले वस्तुएं नष्ट हो जाती है, तब उसे हम आपदा की श्रेणी में रखते हैं। जब बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, ऊंचाई से नीचे की ओर धरातल आ जाता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसी को भूस्खलन आपदा कहा जाता है। भूस्खलन आपदा के कौन कौन से कारण हैं? नंबर एक, चट्टानी चटकन। चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तापमान के कारण, दबाव के कारण, तनाव के कारण ये चट्टानें टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं और टूटने के बाद ढाल की दिशा में वो नीचे की ओर खिसक जाती है। तो बड़ी बड़ी चट्टानों पर कभी कभी गांव बसाए होते हैं, शहर बसे होते हैं, औद्योगिक केंद्र बसे होते हैं, या उन चट्टानों के निचले जगहों पर तली में गांव, शहर या कोई भी आबादी बसी होती है, तो उसकी चपेट में आ जाती है और काफी मात्रा में नुकसान होता है, तब चट्टान के चटकन से आपदा आती है। नदी कटाव, कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ है या कोई भी धरातल है, नदियां उसके तट को काटती रहती है, ज्यादा कट जाता है तो अगर नुमा अंदर की ओर वो धरातल हो जाता है, कुछ दिन तक वो भार सहता है, यदि नहीं सह पाता तो ऊपर से टूट के नीचे आ जाता है। तो ऊंचाई पे इससे जो कुछ भी बना हुआ है, निर्माण कार्य है, मनुष्य है, वनस्पतियां हैं, सब टूट के नदी में आ जाती है और आपदा का रूप ले लेती है। भूकंप, पृथ्वी की चट्टानें जब कांपने लगती हैं तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भूकंप हो, इतनी तीव्रता हो कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हों और इससे कंट्रोल के बाहर हो जाए, तब उसे भूकंपीय भूस्खलन कहा जाता है। भूकंप के कारण भी चट्टानें हिलती हैं, ऊंचाई पर स्थित चट्टानें टूट के नीचे आ जाती हैं। अतिवर्षा, कई दिनों तक लगातार बारिश होती है तो जो धरातल होता है वो गीला हो जाता है, जो कठोर चट्टानों से निर्मित धरातल ऊंचा धरातल नहीं होता है वो नमी पाकर के नीचे की ओर सरक जाता है, तो अतिवर्षा के कारण भी भूस्खलन होता है और उससे नुकसान होता है। हिमालय पर्वत में अक्सर देखा जाता है कि वर्षा के दिनों में भूस्खलन हो रहा है, चट्टान उससे बड़ी बड़ी चट्टान।
मिट्टी धीरे धीरे भी और एक साथ भी गिरती हुई देखी जा सकती। बांध, नदियों में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, दो टीलों को देख लिया, दोनों टीलों को जोड़ दिया कंक्रीट से, लेकिन पानी वर्षा, पानी की अधिकता हुई, बांध बना हुआ है, पानी जा नहीं पा रहा है, पानी का वेग, पानी का यूं कहेंगे भार उन चट्टानों को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो जाता है और चट्टानें फिसल जाती हैं और फिर पानी एक वेग से बहता है और जगह जगह बाढ़ आ जाती है। तो मानवों के कारण भी भूस्खलन होता है और नुकसान होता है। बम विस्फोट चाहे पठार हो, पर्वत हो, पर्वतों में सुरंग बनाने के लिए, पठारों में खनिज पदार्थ निकालने के लिए छेद करके उसमें बम लगा दिया जाता है और चट्टाने दड़ जाती हैं। कभी कभी परीक्षण किए जाते हैं तब भी चट्टाने दड़कती हैं, दड़कने की वजह से भूमि का कुछ हिस्सा ऊंचाई पर जो स्थित है वो नीचे चला आता है। तो बम विस्फोट के कारण भी कभी कभी आपदा आ जाती है। वनस्पतियां भी चट्टानों को जकड़ती भी हैं और चट्टानों को तोड़ती भी हैं। बड़े बड़े बरगद, पीपल, आम, महुआ, जामुन जैसे वृक्षों की जड़ें प्रवेश कर जाती हैं और जैसे जैसे मोटी होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं। यदि ये ऊंचाई पर है तो ऊंचाई से गिरती हैं, नीचे जहाँ जो कुछ भी मिलता है उनको नुकसान पहुँचाती चली जाती हैं और भूस्खलन हो जाता है, तब उसे आपदा कहते हैं। वनस्पतियों के कारण आपदा। क्या क्या प्रभाव होता है भूस्खलन से? जनजीवन प्रभावित हो जाता है, बहुत सारे मनुष्य कालकवलित हो जाते हैं, उनका रहना, पढ़ना, खाना, सोना, जागना, घर नष्ट हो गए, सड़क नष्ट हो गई, विद्यालय नष्ट हो गए, ऑफिस नष्ट हो गए, तो मनुष्यों की हानि। ये मनुष्यों की हानि, हजारों लोग दब गए, मनुष्य की हानि। फिर ये मारा विनाश, मनुष्यों ने जो कुछ भी निर्माण किया है वहाँ पर, सड़क बनाया है, रेलवे बनाया है, हवाई अड्डा बनाया है, गाँव बनाया है, शहर बनाया है, जो कुछ भी बनाया है वो सब तोड़ देगा तो हमारे द्वारा निर्माण किए गए पदार्थों का विनाश हो जाता है। फसल नष्ट, कभी कभी बड़ी बड़ी चट्टानों पर ऊंचाई पे वहाँ भी फसलें बोई जाती हैं, नीचे भी फसलें बोई जाती हैं, जहाँ से टूटता है वहाँ की भी फसलें नष्ट हो रही हैं, चाहे वो फल वाली हो, चाहे अन्न वाली हो, पुष्प वाली हो, सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तब उसे आपदा कहते हैं। वनस्पति प्रभावित, वनस्पतियाँ भी प्रभावित होंगी, चाहे ये फसल मनुष्यों के द्वारा बोई गई तो फसल कहते हैं, ये जंगल के रूप में वनस्पतियाँ हैं तो भी भूस्खलन के कारण, नदियों के कटाव के कारण, पहाड़ों के टूटने के कारण नष्ट हो जाती है। जीव जंतुओं की हानि, जीव जंतु हर जगह जहाँ वनस्पतियाँ हैं वहाँ देखे जा सकते हैं, उन वनस्पतियों को खाकर जीते हैं। तो ये जीव जंतु क्या होता है, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, चूहे, बिल्ली, सियार, बिल में रहने वाले जीव जंतु हों, या जंगल है तो वहाँ से भालू, हाथी तक भी मिलते हैं। तो ऊंचाई पे स्थित हों चाहे उसके नीचे स्थित हों, ये टूटता है तो ऊंचाई का भी नुकसान होता है, जीव जंतुओं को धरातल पे जो विद्यमान थे वो भी नीचे आ जाते हैं। जल निकास नदी, नाले, नहर इत्यादि के ऊपर यदि बहुत ऊंचाई से मिट्टी गिरती है तो कुछ समय के लिए बाधित हो जाता है, पानी नहीं निकलेगा और काफी नुकसान होता है। जल निकासी बाधित होने पर भी नदी में बहुत बड़ा चट्टान आके गिर गया तो पानी नहीं निकल पाएगा और बहुत बड़ा छेद जल से डूब जाएगा। तो इस तरह बहुत से उनके कारण क्या क्या आपदाएं, क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से नुकसान हुए, इस आज की वीडियो हम लोगों ने समझा। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।